अगर आप किसी भी तरह कंटेंट बनाते हैं उसमें आप म्यूजिक यूज करते हैं, तो मैंने 3 डिफरेंट वे बताई है इस वीडियो में म्यूजिक यूज करने की, तो वो देख लो अगर आपने इंटरेस्टिंग करना है। अगर आप कंटेंट वगैरह नहीं बनाते तो फिर भी इस वीडियो पे आ गए हो तो फिर भी देख लो, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, कल परसों के व्लॉग अपलोड कर देंगे वो देख लेना। अस्सलामुअलैकुम, तो आज हम बात करेंगे म्यूजिक की। म्यूजिक आपकी वीडियो को यहाँ से यहाँ ले जाता है। वेट, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि ये एक छोटा सा पार्क है, अगर मैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ, अगर इसी सिनेमैटिक सीक्वेंस के अंदर मैं म्यूजिक डाल दूं, तो ये बात तो होगी शॉर्ट्स के म्यूजिक की। यानी आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या कोई किसी भी आगे का सिनेमैटिक्स, कोई भी स्लोमो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप उसमें म्यूजिक डालोगे तो वीडियो मजे की बनेगी। ये तो सबको पता है, एक बेसिक बात है, ये समझ आ गई। लेकिन जब आपका कैमरा एक जगह पे सिंपल पड़ा हुआ, जिस तरह मेरा कैमरा मैंने सेट किया हुआ है, तो इस तरह से एक सिंपल जब बात हो रही है, अगर आप इसके अंदर भी हल्का हल्का पीछे जब बोरिंग बात हो रही है तो आप अगर म्यूजिक ऐड कर देते हो, तो भाई लिटरली आपकी वो बोरिंग बात भी मजे की लगती है। अस्सलामुअलैकुम, तो मेरा नाम हसीब है, मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। अस्सलामुअलैकुम, तो मेरा नाम हसीब है, मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। दो तरह से म्यूजिक यूज करना आ गए, जहाँ पे बेसिक चीजें हैं वहां पे अगर आप म्यूजिक सिनेमैटिक्स वगैरह जो भी है अगर आप वहां पे म्यूजिक लगाते हो तो वो चीज मजे की लगती है। जहाँ पे बोरिंग बात हो रही हो, जिस तरह कोई बोरिंग सी बात हो रही हो, उधर ही म्यूजिक लगता है तो वो बोरिंग बात भी इंटरेस्टिंग लगती है। और एक तीसरी तरह का ही म्यूजिक होता है, जैसे कि आपने अपने कमरे से बाहर गेट तक जाना है। तो देख रहे हो म्यूजिक और डिफरेंट एंगल की कितनी गेम्स होती हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप मैंने आपको बताए, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि म्यूजिक कितनी वैल्यू रखता है वीडियो में और डिफरेंट एंगल भी कितनी वैल्यू रखते हैं वीडियो में। ये हमारे काफी से यूट्यूबर वगैरह मिस भी करते हैं चीजें, लेकिन यार भाई ये चीजें करो यार, ये चीजें लिटरली आपकी बोरिंग सी वीडियो को भी ना यहां से यहां लेके जाती है। बाकी आप लोगों के सामने सारी एग्जांपल थी, सारी समझ आ गई होगी। अच्छा सी भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन यार म्यूजिक मिलता ही नहीं है। ये मसला मेरे साथ भी है, मैं अपनी वीडियो के सॉन्ग लिटरली 3-3 4-4 घंटे लिटरली सॉन्ग ढूंढ रहा होता हूँ कि मुझे कोई सॉन्ग मिल जाए जो मेरी वीडियो के साथ मैच करे। तो यार NCS के बहुत ही कम चॉइसेस वाले सॉन्ग होते हैं, कोई मिलते ही नहीं है, सारे फजूल तरीन सॉन्ग होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता नॉन कॉपीराइट सॉन्ग का, यार नॉन कॉपीराइट सॉन्ग अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, अगर दूसरा सॉन्ग यूज करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, वो आप सबको पता ही होगा। नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ये मसला मेरे साथ बहुत होता है, आपको NCS का सॉन्ग मिल जाएगा, आप 2-3 घंटे ढूंढो आपको अच्छा सॉन्ग मिल जाता है NCS का, लेकिन कितने ढूंढ लोगे। लेकिन यार मुझे चाहिए हैवी सॉन्ग, डिफरेंट सॉन्ग, लेवल का सॉन्ग जो मेरी वीडियो को, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लेके जाए। तो आपके भाई ने फाइनली खर्चा कर लिया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐप बाय किया है, इसमें लिटरली लाखों में करोड़ों में सॉन्ग हैं, हर तरह का सॉन्ग वीडियो में बैठेगा। और यार सॉन्ग से मुझे बड़ा लव है, इसलिए मैंने ऐप बाय कर ली है। तो अगर आपने भी करनी हो तो कर लेना, नहीं करनी हो तो आपकी मर्जी है। नॉन कॉपीराइट सॉन्ग भी मिल जाते हैं, लेकिन काफी ढूंढना पड़ता है, लेकिन यार मेरी चॉइस यू नो थोड़ी सी, समझ रहे हो, तो इस वजह से मैंने खर्चा किया है। बाकी यार इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, आई होप सो आप लोगों को वीडियो में मजा आए, अगर मजा आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में लिटरली मैंने जितनी बार रीटेक लिया ना भाई, ये मुझे पता है मैंने मेहनत की है इस वीडियो में काफी ज्यादा, और आप लोगों को भी शायद थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो। जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले भी एक यूट्यूबर रह चुका हूँ आज से 4 साल पहले, तो ये ना समझना अभी भी नया नया मूड आ गया यूट्यूबर बना है तो ये म्यूजिक शूजिक की गेंद मैं बता रहा है, तो यार ये पहले मैं कर चुका हूँ। लेकिन मैंने सोचा यार मेरी वजह से अगर किसी का इतना सा भी फायदा हो, इतना सा भी फायदा हो, तो बहुत है मेरे लिए। ये बात नहीं है सिर्फ सॉन्ग ही आपकी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएगा भाई, योर ब्रदर इज हेयर। पागल समझ रहे हैं लोग यार।